हेलो बच्चों, क्या हो रहा है आपको? क्या कर रहे हो आप सारे लोग? क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? क्यों नहीं पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर रहे हो? पता नहीं, जब से ये हैशटैग आया है ना कि कैंसल द बोर्ड, तब से पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। आप यही बस कमेंट किए जा रहे हो कि मैम हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा। इन सब चीजें हमारे ऊपर ये प्रेशर कर रही है, हमें मेंटली ये बिल्कुल बहुत प्रेशराइज कर रही है कि आगे क्या होगा, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये सब तरफ की बातों को सुन करके हमारा तो पढ़ने में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा। तो आप क्यों इन बातों में लग रहे हो? आपको पता है आपका एग्जाम आने में कितने टाइम है? अभी 20 से 25 दिन भी नहीं बचे अब तो आपके एग्जाम आने में। 4 मई को आपका पेपर है। जो चीज आपको सोचनी चाहिए ना, आप वो तो नहीं सोच रहे हो और इन चीज को सोच के बैठे हो कि एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे तो क्या होगा, ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑन बोर्ड होंगे। तो आपको इन सब चीजों में नहीं लगना है। आप सिर्फ एक चीज यहाँ पे अभी सोचो कि हमारा एग्जाम 4 मई को है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है। देखो, अभी जब से ये वेडनेसडे को ये हैशटैग चला था ना कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कैंसिल, तब से क्या हो गया है कि सीबीएसई ने भी क्या कर दिया, आपको बता दिया उन्होंने उसी दिन, जब से ये 1 लाख बच्चों ने उस पिटीशन पे साइन किया कि हम बोर्ड एग्जाम कैंसिल कराएंगे। या बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो वहां पर भी है, बहुत सारे आप यूट्यूबर्स भी देखोगे तो वो भी बस यही कह रहे हैं कि जो इस तरह के हैं यूट्यूबर, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए कि हम ये बोर्ड एग्जाम कैंसिल करा के रहेंगे, हम बोर्ड एग्जाम कैंसिल कराएंगे। तो आप उन चीजों को देख रहे हो ना, तो ये आपके दिमाग पे बहुत प्रेशर डाल रही है, तो ये आपका ध्यान पढ़ने से हटा रही है। लेकिन जैसे ही इस तरह की चीजें आई तो सीबीएसई ने क्या बोला कि हम अभी एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे। उन्होंने क्या बोला, देखो उन्होंने ये आपको एक पहली चीज तो ये बताई कि हमने एग्जाम सेंटर बढ़ा दिए इस चीज से हम बचने के लिए कि कोई भी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को रखने के लिए उन्होंने 40 से 50% अपने एग्जाम सेंटर बढ़ा दिए हैं ताकि एक क्लास में ज्यादा बच्चों को ना बिठाए और किसी को भी कोरोना का डर नहीं हो। फिर दूसरी चीज उनकी तरफ से क्या आई थी कि प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर बाई चांस किसी को भी कोविड हो जाता है तो वहां पे क्या होगा, तब भी उस बच्चे को सीधे सीधे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तब भी उस स्टूडेंट को क्या करना है, एग्जाम देना है। एग्जाम उसको जब वो ठीक हो जाएगा तब उसको देना है, या 11 जून से पहले पहले उसको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। मतलब किसी भी चांस में सीबीएसई के थ्रू आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा? तो इन चीजों में क्यों पढ़ना, जब हम आपको कह रहे हैं कि जो भी कोई इन्फॉर्मेशन सीबीएसई के थ्रू आएगी हमारे पास में तो हम आपको बता देंगे। आपको अपना फोन लेके, लैपटॉप लेके सिर्फ पढ़ाई करो ना, आप इस तरह की चीजों को मत देखो। कि आपको अगर दिन में 10 घंटे आपने पढ़ने का टाइम निकाला है तो उस टाइम में से आप 2-3 घंटे तो इस तरह के वीडियो को देखने में, इस तरह के न्यूज को पढ़ने में निकाल दोगे तो फिर आपका 2 घंटे, या चलो आपने उस 3-4 न्यूज को भी ऐसा देख लेना, तो वो आपके माइंड पे ऐसा इफेक्ट करती है कि आप जो टॉपिक आपने डिसाइड किया ना रिवाइज करने के लिए वो आप फिर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वही चीज नेगेटिव चीज आपके दिमाग में चलती रहेगी कि एग्जाम कैंसिल होने वाले हैं तो फिर हम क्यों पढ़ाई करें। तो उन चीजों को नहीं सोचो, आप सिर्फ ये चीज सोचो कि 20-25 दिन बचे हैं, हमने जो अपना रूटीन बनाया था हम उसी को फॉलो करेंगे और उसी के से करके और हम आगे एग्जाम को देंगे। देखो, दो बात यहाँ पे होती है। फर्स्ट ये है कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ है कि अगर एग्जाम कैंसिल ना हो, तो दोनों सिचुएशन को आप देखो ना। अगर एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं तो ठीक है, कुछ भी नहीं है, जो स्कूल के अकॉर्डिंग आपको जैसे मार्क्स मिलने होंगे वैसे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन तो अभी दिख नहीं रहा। अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, कैसे भी हो, बट अभी जो सीबीएसई कह रही है वो ऑफलाइन एग्जाम ही लेगी, तो ऑफलाइन एग्जाम ही लेगी, तो अगर आप इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे तो आप एग्जाम में कैसे पेपर लिखोगे? जो आपने पूरा लास्ट मार्च से या अप्रैल से अभी के अप्रैल तक जो पढ़ाई की है उसको ठीक से अगर आपने रिवाइज नहीं किया, आपने उसका ठीक से रिवीजन नहीं किया, तो आप एग्जाम में क्या कैसे लिखोगे अपने आंसर को? तो टाइम तो जो ये आपका जो एग्जाम से जस्ट पहले वाला जो मंथ होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीज रिवाइज करने के लिए, रेडी करने के लिए होता है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाने का होता है कि हम इस टाइम को, इस प्रीशियस टाइम को ऐसे वेस्ट कर दें फालतू की बातों में लग करके। तो सिर्फ यही है, पढ़ना ही है आपको।
आई नो कि इस टाइम आपका बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर है, ये जो सिचुएशन है ये भी आपके ऊपर एक प्रेशर बना रही है। आपके पास स्कूल का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, आपके ऊपर अपने एग्जाम, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर है, फिर आपका माइंड भी बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कंफ्यूजन मोड में वो है, कॉन्सेंट्रेशन आपका नहीं बन रहा है पढ़ने की तरफ, क्योंकि अभी जैसा कि अभी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो आप उसी सोच में लग रहे हो कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो इस सारी प्रेशर को ओवरकम करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि बिल्कुल अपने माइंड को एक चीज में सेट करके चलो कि बस हमें पढ़ाई करनी है, चाहे जो सिचुएशन आए। हमने पूरे साल बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया है, चाहे अब एग्जाम हो या चाहे एग्जाम ना हो, हमें अपने आप को क्या करना है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर रखना है। ठीक है, अब दूसरा ये कि अभी आप हो 10th क्लास में, तो सिर्फ 10th क्लास को पास करना ही आपका यहाँ पे मोटिव नहीं है कि हमारा सिर्फ अभी एक ही गोल है कि हमें 10th को पास कर लेना, उसके बाद का हमारे कोई मतलब नहीं है। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, हमें आगे 11th के एग्जाम देने, हमें 12th देना है, आगे जाके हमें कोई कंपटीशन एग्जाम देने हैं, तो ये सब चीज आपका बेसिक है। आगे अब जाके जब कोई भी एग्जाम दोगे तो यही चीज आपके आने वाली, तो इससे बच के तो आप कहीं नहीं जा सकते ना। तो इससे अच्छा है कि आप इसको पढ़ लो, नॉलेज तो कभी कहीं बेकार नहीं जाता, नॉलेज तो कहीं ना कहीं काम ही आता है। आगे चाहे बैंक की तैयारी करो, चाहे आगे जाके आप कोई भी कंपिटिशन एग्जाम दो, ये चीज बेसिक है, ये वहां पर आपकी आएगी ही आएगी। तो ये चीज आप देखो, और जितना हो सकता है ना आप सोशल मीडिया से दूर रहो। आपके काम की कोई भी चीज अगर आती है तो हम बैठे हुए ना आपको बताने के लिए, कि जो भी चीज आएगी वो आपको पहले बता दी जाएगी कि ये आपके फेवर के लिए कोई चीज है ये, या क्या चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने की है। तो सिर्फ अपना फोन लो, पढ़ाई करो और कहीं कोई मत देखो। जो वीडियो आपने देखने के लिए फोन लिया है, जो काम करने के लिए आपने अपना फोन उठाया है ना बच्चों, सिर्फ वही चीज को आप वहां पे देखो और किसी चीज को मत देखो। क्योंकि अगर आपने कोई भी आपके माइंड में आया कि आज हम ये वाली न्यूज देख लेते हैं कि आज हमारा जो कैंसल बोर्ड एग्जाम का था उसके ऊपर किसने क्या बोला है या किसने क्या कहा है, तो आपका ध्यान भी भटक जाएगा पढ़ने से और आपका आधा टाइम उसी चीज में लग जाएगा। तो जो आपने डिसाइड किया है उसी चीज को लेके के बैठो और उसी चीज को आप यहाँ पे कंप्लीट करो। जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, आप उससे दूर हो। देखो आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, हम आपके साथ में हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। जो भी सही होगा वो ही आपके लिए होगा। CBSE कोई ऐसे नहीं है कि इतने सारे बच्चों के फ्यूचर का नहीं सोचेगी, आप लोगों के लिए नहीं सोचेगी कि केसेस इतने बढ़ रहे हैं तो वो क्या करेगी। तो वो सब आपके फेवर में ही, जो भी डिसीजन लेगी वो सब आपके फेवर में ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने बोला है वो एग्जाम लेंगे तो वो बिल्कुल कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करते हुए वो एग्जाम लेंगे, तो किसी को कुछ भी नहीं होगा। तो उस चीज को आप टेंशन मत लो कि हमें कुछ हो जाएगा, ऐसे बातों को बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लाओ, बिल्कुल भी मत डरो। अभी आप अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज रखो कि हमारा एग्जाम 4th मई को है और हमें 4th मई को एग्जाम देने जाना है। अब बचे हुए दिन को कैसे यूज करना है, कैसे हमें 4th मई के एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको सारा अभी अपना फोकस उसी चीज पे लगाना है। बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो क्योंकि ये सब चीजें जब आपको क्या करती है, आपके माइंड में आप रखोगे ना इसका आप भार लोगे कि ये क्या होगा, तो वो चीज आपको पढ़ाई को, जो आपके दिन का रूटीन है ना, वो आपको नहीं फॉलो कर पाओगे। तो इन सब चीजों को छोड़ दो, बिल्कुल किसी भी चीज की टेंशन मत लो। हम सब हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, सब आपके साथ हैं, आपके घर वाले आपके साथ हैं, तो डरने की कोई भी बात नहीं है। CBSE जो भी डिसीजन लेगी वो बिल्कुल आपके लिए अच्छा ही होगा। ओके, तो आप अपनी बस तैयारी में लग जाओ, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपकी जो भी तैयारी है आप उसमें लग जाओ। सो डोंट वरी, वी ऑल आर विथ यू। आप बस अपने फेस पे एक अच्छे से स्माइल लाओ और पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है।